नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीएस। आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एनी इंडियन एग्जाम चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, हम आज इस हिंदी शिक्षण वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। देखिए मैं क्या है कि आज थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, जब देखिए आपको पता होगा संस्कृत शिक्षण वीडियो अपलोड की थी उस टाइम थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था मेरे आस पास में, तो इसी वजह से मैं कुछ बार बार में दो तीन वीडियो अपलोड किए थे, रुक रुक कर अपलोड किए थे। उसके बाद में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हुई, क्योंकि ये वीडियो उस टाइम ही बन गया था, लेकिन फिर अपलोड नहीं कर पाया। अब मैं अपलोड कर रहा हूँ इसको। तो देखिए, इसके अंदर निर्दिष्ट कार्य विधि है, वो आज हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको पूरी जानकारी अभी बताऊंगा। जिसके अंदर देखिए, जो इसके अंदर एक तो मुख्य बात यह है कि पाठ पढ़ाने से पूर्व पाठ से संबंधित जो कार्य देना है शिक्षक को, वो शिक्षक दे देता है छात्रों को कि भाई ये कार्य पूरा करके लाना है आपको घर से। समझ गए आप? कहां से? घर से लेके आना है। निर्दिष्ट कार्य विधि हम पढ़ रहे हैं, शिक्षक है वो अपने स्टूडेंट्स को दे देगा कि भाई ये कार्य अपने घर से करके लेके आओ, और साथ साथ में आवश्यक संकेत भी देगा। अब आप पूछोगे संकेत क्या है, तो संकेत ऐसी चीज है कि मतलब आपको ये बता दिया जाएगा कि ये जो आपको मैंने मान लीजिए कि शिक्षक ने दिया कि ये निबंध लेके लिखे लेके आना है, तो ये निबंध, इस निबंध की जो आपको किताब है वो आपको इस पुस्तकालय से मिलेगी, आप वहां से वो वस्तु तो खरीदें, वो चीज जिस जो भी कार्य दिया गया उस कार्य के लिए कोई भी चीज खरीदनी हो, कहाँ से क्या लेना हो, क्या उसमें लगेगा, वो सारी संकेत शिक्षक होंगे वो स्टूडेंट को दे देंगे। अब संकेतों के आधार पर छात्र पुस्तकालय से आवश्यक सामग्री जुटाएगा। समझ गए? मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, इस चीज को मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, अभी समझ गए? तो संकेतों के आधार पर छात्र वो है आवश्यक सामग्री जुटाएगा। तो अब इससे होगा क्या? अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि इससे होगा क्या? इससे ऐसा होगा कि छात्र को 100 अध्याय की तथा साधन जुटाने की योग्यता प्रदान हो कि भाई कौन सी चीज में कब क्या कौन सी चीज में प्रयोग करना है, वो चीज उन वो गुण उसके दिमाग में आ जाएंगे। पाठ की पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी ताकि पाठ सरल, और देखिए अब जो पाठ पढ़ाया जाएगा ना, तो उस पाठ की पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी। अब वो स्टूडेंट उस पाठ से संबंधित जो भी सामग्री जुटा के, जो भी उसने पढ़ा और लिखा, उसी के आधार पर वो पाठ अब सरल बन जाएगा। शिक्षक पढ़ाएगा तो स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगेगा और समझ में आएगा, और वो पाठ उसकी वो पृष्ठभूमि है वो तैयार हो जाएगी, और पाठ है वो सरल, रोचक और गाह्य बन जाएगा। अब देखिए इसके अंदर जो नुकसान, दोष और कमियां हैं वो ऐसी हैं कि ऐसे अध्ययन सुविधा हर बालक के घर में नहीं हो सकती। अब मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं, तो आपके गांव में पुस्तकालय नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? कहाँ से वो जो सामग्री उन्होंने बताई है वो कहाँ से लाओगे? मतलब जो मैटर उन्होंने दिया है कि भाई निबंध लिखना है, तो उस निबंध की जानकारी आपको पूरी लिखनी है, तो आप कहाँ से पढ़ के लिखोगे? तो आपके पास पुस्तकालय नहीं, हर स्टूडेंट के पास वो चीज नहीं मिल सकती जो उसके अंदर लगनी चाहिए। नए ही आवश्यक साधन होंगे उसके पास। कुछ बालक अपने पढ़े लिखे भाइयों से कार्य करवा लेते हैं। याद आया कुछ? कुछ याद आया आपको? जब आप छोटे थे तब आपने अपना गृह कार्य अपने किसी भाई या बहन से करवाया होगा, है ना? तो कुछ बालक अपने पढ़े लिखे भाइयों से कार्य करवा लेते हैं, इससे 100 अध्याय में स्वयं कार्य करने का मूल उद्देश्य समाप्त हो जाता है। अब इसमें कहां 100 अध्याय की बात रहेगी, आप ही बताइए। नहीं रहेगी ना, यही बात इसके अंदर बताएगी। और एक कमी और है कि एक समान कार्य देने से जो होशियार बालक होगा ना, वो तो बड़े आसानी से वो कार्य करके लेके आ जाएगा। जो मंद बुद्धि होगा, जिसके दिमाग मतलब जो मंद बुद्धि होगा, वो उस कार्य को काफी टाइम बाद में करेगा। लेकिन अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने कुछ छोड़ा है, तो देखिए जो पाठ संबंधी मतलब कि या तो कोई कविता कंठस्थ करने के लिए दे देगा शिक्षक, कठिन शब्दार्थ दे देंगे, जीवनी किसी की लिखने के लिए दे देंगे, द्रुत मतलब द्रुत का अर्थ होता है शीघ्र पाठ लिखने के लिए दे देंगे, कुछ प्रश्न पढ़कर आएगा ऐसा कुछ कह देंगे, और दूसरे दिन उन्हीं सब चीजों की जो स्टूडेंट्स ने तैयार किया उसी पर चर्चा होगी।
तो ये होती है हमारी निर्दिष्ट कार्य विधि। ध्यान रहे हमने निर्दिष्ट कार्य विधि पढ़ी। अब हमारी अगली विधि है वो है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि या निरीक्षित स्वाध्याय विधि। अब ये क्या है इसके अंदर देखिए, आप देख पा रहे हैं मैंने ये क्या छोटे छोटे बच्चे बना दिए यहाँ पे, ये छोटे छोटे बच्चे बना दिए यहाँ पे, ये अध्यापक है, ये अध्यापक है, ये क्या बना दिया आप सोच रहे होंगे, लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूं कि देखिए अध्यापक क्या करेगा बच्चों से, या तो कोई निबंध या कोई भी ऐसी चीज लिखने के लिए, मान लीजिए आपको मानना है कि बच्चों को बोलेगा अध्यापक, ये अध्यापक ही है, आपको ये ध्यान में रखना। यहाँ पे मैंने एक ही पेड़ बनाया है, यहाँ पे मैंने दो पेड़ बनाए, आपको ऐसे देखिए ये अध्यापक अपने स्टूडेंट से बोलेंगे कि आप निबंध लिखो। आप स्टूडेंट्स, ये बात की बात है ना, इनको आप अभी मत देखना, अब आपका ध्यान होना चाहिए इधर। क्यों? अब देखिए ये निबंध लिखने के लिए बोल दिया, तो यहां से एक स्टूडेंट ने कहा ओके गुरुजी। अब एक स्टूडेंट बोला मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूं, एक स्टूडेंट बोल रहा है मेरा हो गया, मतलब इसका तो हो गया, और इसमें ऐसा होगा ये बोल रहा है, मतलब वो उसके अंदर ऐसा खुद सब अध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, नहीं यहाँ कुछ गलत हो रहा है। ये देखिए ये स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, ये स्टूडेंट्स ये बोल रहा है कि नहीं यहाँ कुछ गलत हो रहा है, मतलब कि वो संशोधन भी कर रहे हैं, साथ साथ में संशोधन भी कर रहे हैं। तो ये बात होती है, मेन चीज ये कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर जब शिक्षक है वो स्टूडेंट्स को कुछ सामग्री क्लास के अंदर बैठे, मेन चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि ये क्लास में बैठे बैठे लिखने की बातें हो रही है, यहाँ पे ये सारे क्लास में बैठे हैं लड़के, तो इसके अंदर मेन बात ये है कि बालक को स्वाध्याय के लिए तैयार किया जाता है, और इसके द्वारा क्या है कि सही अध्ययन करने लग जाते हैं बालक। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज यहाँ पे देखना, ये अध्यापक है पथ प्रदर्शक के रूप में यहाँ खड़े रहते हैं आसपास में, यहाँ यहाँ कहीं पे भी खड़े रह सकते हैं। ये देखिए अब ये देखिए मतलब कि यहाँ पे इसने गलत किया है, तो नहीं श्याम यहाँ सही करो, ये इसको ये सब बोल रहे हैं। मैंने ये ऐसे ही खुद आपको पूरा समझाने के लिए बनाया है, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना ना। और देखिए अब खेल विधि के अंदर आ चुके हम, जिसके अंदर आपको मैं बता रहा हूं कि खेल विधि की एक निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत की थी काल्डवेल कुक महोदय ने। इस नाम को याद कर लेना, थोड़ा बहुत याद करो, ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। काल्डवेल कुक महोदय ने एक पुस्तक भी लिखी थी प्ले वे, जिन्होंने खेल विधि की एक निश्चित रूपरेखा तैयार की थी। अब काल्डवेल कुक का कहना था कि इनका कहना था कि श्रवण और पठन से कुछ नहीं होता, साथ साथ में हमें खेल खेल के द्वारा भी शिक्षा देनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को। तो भाषा शिक्षण के अंदर खेलें कैसे, भाषा शिक्षण संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए खेलें कैसे, ये क्वेश्चन आता है अगला आपके दिमाग में भी खड़ा होगा। तो देखिए खेलना ऐसे है, तो हमें अभिनय करने के लिए स्टूडेंट्स को बोलना है, या तो उसको उनको नाटक करने के लिए, एक ऐसा नाटक जिसके अंदर शिक्षा से संबंधित सामग्री जुड़ी हो। प्रहसन, आप अभी शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपको मैं इसका अर्थ भी बताता हूँ। प्रहसन का मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक हंसना, खुशी खुशी से, मतलब ऐसी चीजें डालना जिससे स्टूडेंट्स खुशी खुशी वो चीज सीख जाए। कविता पाठ, कविता को गा के बताना, अंत्याक्षरी कराना, अंत्याक्षरी के अंदर वैसे शब्द लेना, ABCD ऐसे कुछ शब्द ज्यादा लेना, कवि दरबार बिठा देना, एक शब्द रचना के खेल कराना, वाक्य रचना के खेल, समस्या पूर्ति की भी समस्या दूर करना, मतलब कि ऐसी ऐसी समस्याएं डालना जिससे कि स्टूडेंट उस क्वेश्चन को करने पर मजबूर हो जाएगा। अब देखिए आपको यह बताता हूं मैं कि WM रायबर्ड ने एक पुस्तक लिखी थी प्ले वे सजेशन, और अभी मैंने बताया था कोल्डवेल कुक ने एक पुस्तक लिखी थी प्ले वे। उन्होंने प्ले वे लिखी और इन्होंने आगे सजेशन जोड़ दिया, तो हो गई इनकी।